Morning, all of you. Once again, another class of business environment where we are going to discuss privatizations. Earlier we discussed liberalizations. Now we are going to discuss what is privatizations. तो privatizations की जब बात करते हैं, privatizations को हिंदी में बोला जाता है निजीकरण. तो निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है. तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, निजीकरण से आशय एक ऐसी औद्योगिक इकाई को है जिसमें निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है राइट्स. तो ये भी कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा अपने सिक यूनिट्स को किसी निजी हैंड देन में दे देना, निजी हाथों में दे देना निजीकरण कहलाता है. प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो प्ले अ वेरी डोमिनेंट रोल इन एन इकोनॉमी व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन. सो प्राइवेटाइजेशन बेसिकली वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 18th बाय राजीव गांधी. निजीकरण जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो राजीव गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया. द गवर्नमेंट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव गेव एक्चुअल स्पीड बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू पॉल इंडस्ट्रियल पॉलिसी. तो जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं, तो जो राइट्स होता है ऑपरेशंस को करने का, प्रोडक्शन करने का, मैनेज करने का, कंट्रोल करने का, वो एक इंडिविजुअल के द्वारा होता है. तो जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उस नई इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति आई. इस नीति को इंट्रोड्यूस किया गया था राजीव गांधी के द्वारा और पीवी नरसिम्हा राव ने इसे इम्प्लीमेंट किया था. बात कर लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन है क्या. प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से ओनरशिप, मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर्स को. एंड वी कैन से दैट इन शॉर्ट, इन अ प्राइवेटाइजेशन ऑल दी प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशन आर कंट्रोल बाय इंडिविजुअल्स. सो ट्रांसफरिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज टू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करना ही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है. प्राइवेटाइजेशन मीन्स रिप्लेसिंग गवर्नमेंट मोनोपोली. निजीकरण के द्वारा जो सरकार की एकाधिकार की पॉलिसीज थी उसको ख़त्म किया गया. प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सरकार ने बहुत सारी कंपनीज का निजीकरण कर दिया. निजीकरण का मतलब है कि जो प्रोडक्शंस है, जो ऑपरेशंस है, इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज एक इंडिविजुअल्स के हैंड में दे दी, ताकि क्वालिटी और इनोवेशंस को ध्यान में रखा जा सके गुड्स के प्रोडक्शंस में. इट मींस अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर्स. इसका मतलब ही है कि ओनरशिप को ट्रांसफर करना, मैनेजमेंट को ट्रांसफर करना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से प्राइवेट सेक्टर्स में. आइए बात करते हैं, आउट ऑफ 16 इंडस्ट्रीज 6 इंडस्ट्रीज आर नॉट रिजर्व ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स. कौन कौन ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको रिजर्व रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा अपने हाथों में. सिगरेट्स, ऑटोमेटिक एनर्जी, इंडियन रेलवेज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, आर्म्स एंड एमिनेशन एंड हैजार्डस केमिकल. जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं तो जो 16 इंडस्ट्रीज थी उस 16 इंडस्ट्रीज में 6 इंडस्ट्रीज के लाइसेंस गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, बाकी सभी का निजीकरण कर दिया. बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइवेटाइजेशन का. प्राइवेटाइजेशन स्ट्रांग मोमेंटम टू द इनफ्लो ऑफ FDI. प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से बड़ी मात्रा में फॉरन रिजर्व आया, फॉरन विदेशी विनिमय आया इंडिया में. प्राइवेटाइजेशन एम एट प्रोवाइडिंग स्ट्रांग बेस टू इनफ्लो ऑफ FDI. इंक्रीज फ्लो ऑफ FDI इम्प्रूव द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. व्हेन प्राइवेटाइजेशन टेक प्लेस 1991, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इनफ्लो ऑफ FDI केम एंड द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इज इम्प्रूव एंड द इफिशेंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑल्सो इम्प्रूव. The efficiency of PSU was improved by giving them the autonomy to make decisions. The government has given the private sector undertaking complete rights to take their own decisions. The government is not going to interfere.
प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो कंडीशंस थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वो भी इम्प्रूव ही, और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से गवर्नमेंट ने अपनी कुछ कंपनीज़ का निजीकरण किया। निजीकरण करने के बाद गवर्नमेंट ने उन्हें राइट दे दिया डिसीजंस लेने का, जिसके माध्यम से उनके कार्य करने की दक्षता और कुशलता में इम्प्रूवमेंट आया। सम कंपनी वी आर गिवन अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ नवरत्न एंड मिनी रत्न। कुछ कंपनीज को सरकार के द्वारा नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज का नाम दिया गया। अगर हम नवरत्न कंपनीज की बात बताते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भारत की नवरत्न कंपनी है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, GIC, दीज ऑल आर दी कंपनीज आर नवरत्न्स। नाउ वी टॉक अबाउट मैथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सी वी हैविंग अ सर्टेन मैथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जब प्राइवेटाइजेशन आया तो प्राइवेटाइजेशन में कुछ सर्टेन मैथड हैं जिसके माध्यम से बाहर की कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, फॉरन रिजर्व बढ़ा, FDI आया। पहला है उसमें फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में क्या किया जाता है, फ्रेंचाइजी में एक गवर्नमेंट होती है वो दूसरी नेशंस की कंपनीज को राइट दे देती है कि दे कैन ओपन देयर रिटेल आउटलेट। वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बाहर की कंपनीज को ये राइट दे दिया जाता है कि वो अपने रिटेल आउटलेट ओपन कर सकते हैं अदर कंट्रीज में। लीजिंग। लीजिंग मीन्स दैट गिवन द कंप्लीट अथॉरिटी फॉर 25 years, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए गवर्नमेंट क्या करती है अपनी प्रॉपर्टीज को लीज पे दे देती है बाहर की कंपनीज को। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है द गवर्नमेंट मेक MOU, गवर्नमेंट के माध्यम से दूसरी गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है, जिसके माध्यम से एक कंपनी दूसरी कंपनी के संग ये टाइप करती है कि वो इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ ओवर द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रेश। जब प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग। दिस इज बेसिकली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स वेयर द गवर्नमेंट सेल सम पार्ट ऑफ देयर PSU टू इंडिविजुअल। जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है अपने पार्ट्स को बेच देती है और एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ये राइट दे देती है, दे कैन ऑल्सो टेक दी शेयर्स इन दैट कंपनी, इट्स कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी मेथड है जिसके माध्यम से निजीकरण पॉसिबल हुआ। बात कर लेते हैं सेल ऑफ एंटायर एंटिटी कि सेल ऑफ एंटायर एंटिटी होती क्या है। द गवर्नमेंट सेल द एंटायर पब्लिक सेक्टर यून टू प्राइवेट सेक्टर। इसमें जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है अपना पूरा पार्ट प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट के माध्यम से जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके IPO निकाले जाते हैं। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वेयर द पब्लिक हैव राइट्स टू सब्सक्राइब दी शेयर्स। यहाँ पे पब्लिक के पास राइट्स होता है कि वो भी गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं गवर्नमेंट इशू शेयर्स टू द पब्लिक ऑफरिंग टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्टेक्स, जिसके माध्यम से जो गवर्नमेंट का शेयर्स होता है वो कम हो जाता है। मैनेजमेंट कंट्रोल। दो नॉट द प्राइवेट कंपनी द गवर्नमेंट ट्रांसफर द मैनेजमेंट कंट्रोल टू द न्यू कंपनी टू मेक इट्स मोर अकाउंटेबल। प्राइवेट कंपनी के माध्यम से द गवर्नमेंट ट्रांसफर द मैनेजमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है जो मैनेजमेंट होता है वो ट्रांसफर कर देती है नई कंपनी को, और नई कंपनी क्या करती है अकाउंटेबल होती है। तो गवर्नमेंट के माध्यम से जो मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट को भी, मैनेजमेंट की पावर भी नई कंपनी को दे दी जाती है, और वो नई कंपनी ही अकाउंटेबल होती है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेल टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हैव द फर्स्ट चॉइस टू बाय द शेयर्स ऑफ द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी व्हेन दे आर पुट फॉर सेल्स। देखिए हम बात करते हैं कि एक एम्प्लॉयज़ के पास भी अधिकार होता है जब कंपनी के द्वारा शेयर्स बेचे जाते हैं। द एम्प्लॉय हैविंग ऑल्सो द राइट्स टू बाय द शेयर्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज वेल एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्हेन दे आर पुट फॉर सेल। जब शेयर्स बेचे जाते हैं जब, तो एम्प्लॉय के पास भी राइट्स बनता है कि वो कंपनी के शेयर्स को खरीदे। बात कर लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखिए BSE वॉज प्राइवेटाइज टूडे
इट इज़ ओन्ड बाय रिलायंस एनर्जी। अगर हम बी एस सी एस की बात करेंगे तो बी एस सी दिल्ली में आपको मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी में है, मुंबई में मिल जाएगी। तो इसको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया और इसको अब ऑपरेट किया जाता है रिलायंस एनर्जी के माध्यम से। टेलीकॉम कंपनी नाउ आर ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनी। पहले हम बात करते थे, मेन दो ही कंपनी हुआ करती थी, MTNL, BSNL, वी हैव सीन दैट देयर नंबर ऑफ टेलीफोन कंपनीज आर देयर। सो गवर्नमेंट ऑल्सो प्राइवेटाइज टेलीफोनिक कंपनीज। हिंदुस्तान एंड भारत पेट्रोलियम प्लानिंग टू बी अ पार्ट ऑफ ओमान ऑयल कंपनी टू हैव अ ग्रेट सप्लाई ऑफ ऑयल टू इंडिया इन अ लोअर प्राइस। हिंदुस्तान और भारत पेट्रोलियम जो है उनकी भी प्लानिंग है कि वो ओमान ऑयल कंपनी का पार्ट बन जाएंगी एंड दे सप्लाई the oil to all over India at a lower price. That is also the part of privatization where Hindustan and Bharat Petroleum want to become the part of Oman oil companies. Advantage की बात कर लेते हैं। देखिए, planning help to reduce the burden of government. Privatizations के माध्यम से proper planning की जाती है और planning के माध्यम से government अपने burden को कम करती है, बिकॉज द गवर्नमेंट गिव द राइट्स टू द इंडिविजुअल सो दैट ही कैन मैनेज द प्रोडक्शन, ही कैन कंट्रोल द प्रोडक्शन, टू द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी रिड्यूस। इट विल हेल्प प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट टू मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। गवर्नमेंट के माध्यम से उन सारे पब्लिक सेक्टर्स को जो प्रॉफिट को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनके पार्ट को बेच दिया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ कंपनी इज बेसिकली अ सिक यूनिट। ये कंपनी सिक यूनिट थी पहले। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसका निजीकरण कर दिया, जो प्रोडक्शंस था वो इंडिविजुअल हैंड में दे दिया। लेकिन बट स्टिल दैट एंटरप्राइज इज नॉट सस्टेनिंग प्रॉफिट। उसके बावजूद भी इस कंपनी के द्वारा प्रॉफिट को अर्न नहीं किया गया, तो कंपनी को गवर्नमेंट क्या करती है, तो बेच देती है या बंद कर लेती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाता है और उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है उस बिजनेस को डाइवर्सीफाई करने में। इट विल हेल्प इन मेकिंग पब्लिक यूनिट मोर कंपिटेटिव। प्राइवेटाइजेशन का पहला रोल ये है कि गवर्नमेंट फोकस करती है कि वो पब्लिक सेक्टर्स को कंपिटेटिव बनाए। जो ऐसे पब्लिक सेक्टर हैं जो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, जिससे एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स उनको देखे। बट गवर्नमेंट के माध्यम से जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव बनाया जाता है, उनको प्रतिद्वंदी बनाया जाता है, ताकि वो प्राइवेटाइज से कंपटीशन कर सके। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। द डिसीजन आर फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, दैट कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव एंड द डिसीजन्स आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब हम पब्लिक सेक्टर्स की बात करते हैं तो डिसीजन्स बेसिकली बेस हो सकते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन पे एक प्राइवेट इंडिविजुअल फ्री होता है, ही कैन टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन्स, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज देयर। दैट्स वाई वी कैन सी दैट प्राइवेटाइज आर मोर कंपिटेटिव, पब्लिक कंपनीज आर नॉट मोर कंपिटेटिव। इट एनकरेज द न्यू इनोवेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। थ्रू प्राइवेटाइजेशन द कंपनी फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड दे कैन बिल्ड देयर इमेज इन द मार्केट। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो कंपनीज हैं वो नया नया इनोवेशन्स करती हैं, क्योंकि किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट सैमसंग। सी वी ऑल नो व्हेन सैमसंग एंटर इनटू द फील्ड दे हैव ओनली अ मोबाइल फोन एंड लेटर ऑन सैमसंग एंटर इनटू द काइंड्स ऑफ सेगमेंट्स, लैपटॉप, देन रेफ्रिजरेटर, टीवी, एलसीडी, एलईडी, देन वॉशिंग मशीन, देन माइक्रोवेव। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन, थ्रू प्राइवेटाइजेशन अ प्राइवेट कंपनी कैन इनकरेज देयर न्यू इनोवेशंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी पॉसिबल इन प्राइवेटाइजेशन बिकॉज द इंडिविजुअल, द ओनर आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस, देयर इज लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
With the privatizations, the foreign reserve can be increased, the huge amount of investment can be coming into the India. जब privatizations की नीति आई तो इंडिया में बड़ी अमाउंट में, बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हुआ, और जिसके माध्यम से विदेशी विनिमय भी बढ़ा, और विदेशी विनिमय के साथ साथ जो विदेशी रिजर्व था उसमें भी बढ़ोतरी हुई. प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से द कंपनी इंक्रीज देयर एफिशिएंसी थ्रू अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. बिकॉज व्हेन वी टॉक ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन केस इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वी कैन इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी एज वेल एज सो दैट वी कैन इम्प्रूव दी अवर प्रोडक्ट स्ट्रेंथ. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेज इंडस्ट्रियल सिकनेस. वाइड स्प्रेस इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया इज अ ग्लेरिंग एग्जाम्पल बिकॉज 35,366 करोड़ वेयर आउटस्टैंडिंग. जब हम इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो बीमार हो गई, जो सस्टेन नहीं कर पाई व्हेन प्राइवेटाइजेशन एंटर इनटू द इंडियन मार्केट. लैक ऑफ वेलफेयर अंडर प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट एंटरप्राइज आर कीन टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन दोज इंडस्ट्री इन विच मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज वेरी हाई. जब प्राइवेटाइजेशन एंटरप्रेनर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जाता है दे ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट, दे डिड नॉट फोकस ऑन कस्टमर नीड्स एंड वांट्स. दे स्पेशली टारगेट अ हाई क्लास ऑफ कस्टमर. द वेलफेयर इज इग्नोर. जो वेलफेयर होता है जो पब्लिक का, सोसाइटी का, उसको इग्नोर कर दिया जाता है बिकॉज दे बेसिकली टारगेट अ स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर. नेक्स्ट क्लास स्ट्रगल. कैपिटलिस्टिक एंटरप्रेनर एंड लेबर हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट दैट हैव एडवर्सली अफेक्ट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी. इन प्राइवेटाइजेशन द एंटरप्रेनर आर स्ट्रगलिंग बिकॉज देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड लेबर. बिकॉज इन दिस सिचुएशंस दे बेसिकली एडवर्सली अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी. एंड व्हेन ओनर इज एम्फसाइजिंग दैट वी हैव टू डू द प्रोडक्शन इन 24 आवर्स द लेबर आर नॉट एग्री with them. So they having a clash. In that cases, this is the disadvantage of privatizations. Increase inequality. Privatization give rise to increase inequality and it result in concentration of economic power. It helped large industries to grow further, national industry further suffer. When we talk about privatization, when in India economic policy took place in 1991, the small business, the medium class industry are vastly affected because in privatization mostly MNCs company enter into the Indian market and they basically destroy the domestic market because they are charging lower price and they are doing their mass productions. On that basis the domestic business is going to be worse. Opposition by employee. Trade union in India oppose privatization of public enterprise. It will lead spread unemployment. जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके द्वारा भी अपोज किया गया प्राइवेटाइजेशन का बिकॉज जो पब्लिक सेक्टर्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया जिसके माध्यम से बेरोजगारी उत्पन्न हुई. प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग. प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट मैनेज लार्ज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल इश्यूज को मैनेज नहीं किया जा सकता बिकॉज दे हैव टू ऑल्सो पे टू दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को भी उन्हें पे करना होता है व्हेन दे आर बाइंग द शेयर्स. पब्लिक सेक्टर कैन नॉट मैनेज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय हिमसेल्फ. पब्लिक सेक्टर्स ऑल्सो हैविंग द सेम सिचुएशंस व्हेन दे आर नॉट एक्वायरिंग द प्रॉफिट, व्हेन दे आर नॉट अर्निंग द प्रॉफिट, इन दैट केसेस दे बिकम सिक. सो प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो हैविंग अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स टू बाय पब्लिक सेक्टर्स. प्रॉब्लम इन एम्प्लॉयमेंट. व्हेन प्राइवेटाइजेशन टुक प्लेस मोस्टली MNCs कंपनी एंटर इन टू द मार्केट एंड दे नीड अ skilled employee. For that cases in India we did not have enough amount of skilled employee and we did not have a sophisticated technology. In that cases the problem of employment can be arises. Ignore the weaker sections. Entrepreneurs are more inclined to produce goods that cater to luxurious and comfort need of weaker section are ignored. Privatizations में जो entrepreneur थे उनके द्वारा इग्नोर किया जाता था बेसिक कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को. दे बेसिकली टारगेट द रिच
people. That's why in privatizations, the weaker section are suffered lot. Private sector ignorance the national importance. Private sector works only for profit matter. So this sector does not enter in such area in which profitability is low. Private sectors के द्वारा private sectors profit के लिए ही काम करते थे and they does not enter in such area in which profitability is low. Private sectors के द्वारा उसी जगह business किया जाता था जहाँ पे profit की possibility ज़्यादा होती थी. They did not enter that area where the profitability are low. That is also the disadvantage of privatizations. Thank you, class.